नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। येस बैंक अपने FPO के जरिए 15,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। उसने इशू के लिए प्रति शेयर 12 रुपए का फ्लोर वाइज तय किया है। ये शेयर मौजूदा भाव की तुलना में 40-45% डिस्काउंट है। इसके बावजूद भी ग्रे मार्केट में इस शेयर का खरीदार नहीं है। येस बैंक अपने फॉलो ऑन ऑफर के जरिए 15,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। उसने इशू के लिए प्रति शेयर 12 रुपए का फ्लोर वाइज तय किया है। ये शेयर के मौजूदा भाव की तुलना में करीब 40-45% डिस्काउंट है। इसके बावजूद ग्रे मार्केट में इस शेयर के खरीदार नहीं है। येस बैंक प्राइवेट बैंक है। आमतौर पर FPO में 40-45% का डिस्काउंट काफी आकर्षक माना जाता है, लेकिन गैर सूचीबद्ध बाजार येस बैंक के शेयर की कुछ अलग ही कहानी है। इस FPO का प्रीमियम महज 0.70 से 0.75 रुपए प्रति शेयर है, जो फ्लोर वाइज का महज 5-6% ही है। जब FPO को ऐलान हुआ था, प्रीमियम 1.15 से 1.125 रुपए था, मगर फ्लोर वाइज सामने आने के बाद ये आधा रह गया। गैर सूचीबद्ध बाजार के डीलर्स के अनुसार इस FPO का प्रीमियम कम होने की कई बड़ी वजह है। ऐसे में इशू के कई गुना सब्सक्राइब होने की कम उम्मीद है। FPO में शेयर मिलने के आसार काफी बढ़िया है। ऐसे में कोई ग्रे बाजार में क्यों प्रीमियम चुकाएगा? डीलर्स का मानना है कि इस इशू को आसानी से पूरा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, क्योंकि अभी बाजार में लिक्विडिटी काफी अधिक है और रातों रात अमीर बनने का सपना देखने वाले निवेशकों की नई खेप सस्ते शेयरों में पैसा लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज़।